जी तो जनाब, यहाँ पर सैमा वालों की बात भी होगी, सोनिया कपाल की बात भी होगी, और खान की बात भी होगी, और शहजाद समैरा की बात भी होगी, और इसको आपने पूरा सुनना है, और आज इसमें मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी। और इसके बाद अगर किसी ने पंगा शंगा लेने की कोशिश की तो फिर जाहिर है हम भी लेते रहेंगे, ठीक है? तो शुरू से बात करूंगी और अच्छे से इस बात को आप लोग समझ लेना, और आप लोग भी अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले तो शहजाद और समैरा, मेरा उनके साथ कोई तनाज़ा नहीं है, उन्होंने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया, ना मैंने उनके साथ कोई गलत किया। अगर उनको कहीं लगा कि मैंने उनके साथ गलत किया है तो वो मेरे बच्चों के जैसे हैं, फिर भी उनसे माजरत, क्योंकि उनके लिए मैंने कुछ बोला ही नहीं, जो कुछ भी बोला है मैंने ये खानी की फैमिली के लिए बोला है, ठीक है? दूसरी बात, ये पिक्चर की बात शहजाद कर रहा था कि थंबनेल पे लगाई, वो पिक्चर मेरे पास फ़ोन में पड़ी थी, वो मैंने उठा के लगा दी, मैंने ये गौर नहीं किया कि भाई वहाँ पे तेरी बड़ी पिक्चर आ रही है छोटी आ रही, और वो मैंने तुम्हें एतराज़ आया तो मैंने हटा भी दिए, तुम जाके देख लेना। और मुझे बिल्कुल भी शहजाद, आप और गोपाल, आप यकीन करो या ना करो, मैं जो बात हो मैं यहाँ पे सच कर देती। पहली बात तो ये है कि ना तो मैं बच्चे आप लोगों से डरती हूँ, ना मैं आप लोगों से लेके खाती हूँ, लेकिन आप दोनों भाई तारीफ के काबिल हो, आप दोनों भाई बहुत अच्छे हो, ठीक है? मुझे आप दोनों भाइयों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग कराची में रहते हो, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। कराची ना तो मैं रोज आ सकती हूँ, ना ही आप लोग रोज इस्लामाबाद में आ सकते हो, ठीक है? कभी कभार इत्तफाकन कोई मुलाकात हो या ना हो वो अलग बात है। आप लोगों से जिन लोगों को मतलब होगा जो कराची में रहते हैं, वो जेलस हों या वो लड़ाई झगड़ा करें या वो अच्छा बुरा बोलें, मुझे यहाँ से कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं। आप लोगों के साथ मेरी 2-3 मुलाकातें हुई, अच्छी हुई, और आप लोग मुझे अच्छे लगे, और मुझे इस चीज़ से भी कोई मतलब नहीं है कि आप क्रिश्चियन हो, आप एक इंसान हो, ठीक है? मैं भी एक इंसान हूँ, खलास। आपने आज के बाद ये नहीं बोलना कि मैंने आपको कुछ बोला, क्योंकि मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं है। उसके बाद आ जाओ गोपाल की बात पे, जो बातें इस औरत ने मेरे साथ की हैं वो इनके घर की बातें मेरे तक कैसे पहुंची? व्यूवर्स, फैसला आप लोग करो। किसी के भी घर में कोई बात होती है तो उस घर का बंदा जिसके सामने बात हुई है वो मुझे बताएगा तो मुझे पता चलेगा ना, मुझे ख्वाब तो नहीं आ जाएगा कि ये बात हुई है या फलान बंदे ने ये बात की है। इस औरत ने खुद ये बातें मुझे बताई हैं, और गोपाल ने अपनी वीडियो में मेरा वॉइस भी लगाया और इसका वॉइस भी लगाया, ठीक हो गया? आप लोग वॉइस मैसेज भी सुन लें किसने क्या बोला और किसने क्या नहीं बोला। दूसरी बात, गोपाल ने यह भी बोला कि जिसको हमारे घर का पानी पसंद नहीं उसके लिए हमारे घर के दरवाजे बंद हैं। तो आप लोग सोचो कि गोपाल के घर में कौन जाता है, कौन जाके पानी पीता है या फिर नहीं पीता? क्योंकि मैं तो अभी तक गोपाल के घर में नहीं गई, एक ही बार मैं कराची गई थी जब सैमा की बेटी की बर्थडे थी, तो गोपाल ने नेक्स्ट डे मुझे दावत दी थी, लेकिन उस दिन मैंने वापस आना था, मैं इसलिए नहीं जा सकी। अगर मुझे वहां रहना होता तो गोपाल मुझे दावत देता तो मैं लाजमी उसके घर जाती, और जिस बर्तनों में वो खाते हैं मैं उसी में ही खाती, क्योंकि मेरे अंदर गरूर तकब्बर बिल्कुल भी नहीं है। और सोनिया गोपाल जब मेरे घर में आए थे, यहाँ पर हमारे घर में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं उन्हीं में उनको खाना दिया था, उन्हीं में ही हम लोग खाना खाते हैं, और हम लोग जब साथ में बाहर टूर पे गए तो हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते रहे। हाँ, बच्चों की वजह से, बच्चे ऊपर चाय ना गिरा दें, उस वजह से मैंने ब्रेकफास्ट के टाइम इनका टेबल अलहदा किया। मैंने कहा भी चाय, मैं चाय पीती नहीं, मैंने कहा इसके ऊपर चाय रखो, इसको पियो या गिराओ, पर मेरे ऊपर ना गिराना। क्लास, ये सोनिया गोपाल सामने थे तो मैंने अपना नाश्ता अपनी टेबल पर रखा और मैंने खा लिया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि बच्चे कपड़ों के ऊपर चाय ना गिरा दे, क्योंकि ऊपर चाय गिर जाएगी तो लाजम आपको प्रॉब्लम होगी, या तो आपको कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, वॉश करना पड़ेगा, मीठा होता लग जाए तो वो जिस्म के ऊपर चिपचिप होती रहती, बाकी और कोई बात नहीं। उसके बाद आ जाओ इनकी बात पे, खान की बात पे आ जाओ, सैमा की बात मैं बाद में बताती हूँ, खान की बात पे आ जाओ। जब ये लोग पिंडी में आए, मैंने लिया घर आए, जो भी हुआ खलास, आप सबने व्लॉगों में देख लिया, हम जब चले गए नरान के लिए, खान ने बोला है कि इसने मेरी गाड़ी में 10,000 का पेट्रोल डलवाया। ये कहती कुरान उठाए, मैं उठा लूंगी, कोई इशू नहीं है। पहले तो ये कुरान उठाए कि इसने मेरी गाड़ी में 10,000 का पेट्रोल डलवाया, फिर जब मैं वहां से वापस आई इसने मेरी गाड़ी में 6,000 का पेट्रोल डलवाया, मैंने खुद डलवाया। फिर रास्ते में ये लोग तो चले गए, तो उसके बाद भी जो पेट्रोल मैंने डलवाया वो तो मुझे ही पता है कि मैंने कितना डलवाया कितना नहीं डलवाया। इस बात की ये कसम उठाए कि पेट्रोल इसने डलवाया मेरी गाड़ी में तो मैं इसको डबल पैसे दूंगी, और आप सब लोगों के सामने लाइव आके मैं इससे ऐसे माजरत करूंगी कि खान ये लो अपने पैसे,
ठीक हो गया। दूसरी बात आ गई होटल की, होटल का ये वॉइस सुना रहे, हमें क्या पता किसका वॉइस सुना रहे। मैंने वहां पे होटल का रेंट दिया, अगर कभी जिंदगी में इत्तफाक हुआ मैं उस होटल में या नारायण कंगान में मैं गई तो मैं लाजमी वहां पे जाऊंगी और मैं उन लोगों से मिलूंगी और बकायदा उनको मैं वीडियो में लूंगी कि भाई इधर आए, मैंने आप लोगों को रेंट दिया था। ठीक हो गया। फिर ये कहती है कि मैंने खर्चा किया, खर्चा सुनो अब, कराची से ये यहां तक आई, बिल्कुल इसने खर्चा किया होगा, मुझे नहीं पता इस बात का, ठीक है। यहां से हम नारायण कंगान तक गए, इसने कोई खर्चा किया होगा, मुझे उस बात का नहीं पता, जो मुझे पता है मैं वो बताऊंगी। यहां से हम लोग निकल गए अपनी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के अपने पास से, जो गाड़ी इनको मैंने रेंट पे लेके दी थी उसके अंदर पेट्रोल इन लोगों ने डलवाया था। ठीक हो गया। मैंने नहीं डलवाया था, ये पहले भी मैं बोल चुकी हूँ। और वो गाड़ी रेंट पे इन लोगों ने ली थी, उसका रेंट भी इन्हीं लोगों ने देना था, मैंने नहीं देना था। ठीक हो गया। और इन्होंने 15,000 रुपया रेंट के लिए एडवांस दिया था, 20,000 रुपया नहीं दिया था, ये बोल रही है 20,000 रुपया दिया था, उसके लिए भी ये कुरान उठाए और मैं 20 ही कुरान के ऊपर रख दूंगी, ये वापस उठा ले, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। ठीक हो गया जी। फिर जनाब अपनी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलाया और चल पड़े। रास्ते में बारिश हो रही थी, हम लोगों ने जाके स्टे किया बालाकोट। बालाकोट तेज बारिश स्टार्ट हो गई तो मैंने कहा कि इतनी तेज बारिश में मैं गाड़ी नहीं ड्राइव करूंगी, इसलिए कि यहां पर रोड स्लाइडिंग होती है, ये ना हो कि कोई ऐसी स्लाइडिंग हो तो कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाते हैं, जैसे ही बारिश स्लो होगी तो आगे जाएंगे। मैं अपनी गाड़ी में बैठी रही, ये लोग बारिश में बाहर उतर गए, मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी देर गाड़ी में लेट के सो गई थी। इन लोगों ने वहां पे नाश्ता किया, खाना खाया, मुझे नहीं पता। ये लोग जब वापस गाड़ी में आए तो इन्होंने मुझे कहा कि हमने तो वहां पे नाश्ता कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है। हम लोग वहां से निकल पड़े, हम लोग नारायण में पहुंच गए। नारायण पहुंचे, हम लोगों ने होटल का रूम लिया, उसके बाद गाड़ी की बेल्ट, एसी का बेल्ट टूट गया, गाड़ी के एसी का बेल्ट टूट गया। गाड़ी लेके असद बाजार में खड़ा था, उसने कहा पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको इतना नहीं पता गाड़ियों के बारे में। मैं इनको रूम में सबको छोड़ा और खान और मैं वापस गए गाड़ी के पास। वहां से हमने एक मिस्त्री लिया, मिस्त्री को उठा के उसकी वर्कशॉप से हम लोग लेके गए गाड़ी के पास। उसने वापस ला के गाड़ी अपनी वर्कशॉप में चेक शेक की, उसने कहा बेल्ट का मसला तो उसने सेट किया। उसने कहा हम लोग शॉप से बाहर जाएं तो हम 2,000 रुपया लेते हैं। मैंने कहा 500। उसने कहा नहीं, उसने कहा 1,500 दे दो। मैंने कहा 1,000 रुपया ले लो। उसके साथ एक दो बार बात की, उसको मैंने 1,000 रुपया दे दिया, वो भी इन्होंने दिया, मैंने दिया। उसके बाद अच्छा वहां गाड़ी खराब खड़ी है और ये औरत तो बाजार में चली गई घूमने के लिए, साथ अपनी वो लड़की एक को लेके ना, ये बाजार में चली गई। मैं वहां पे खड़े, हम खड़े, ये शहजाद भी हमारे साथ था। शहजाद को मैंने कहा शहजाद देखो उस दुकान में गई थी, उस दुकान में गई थी। शहजाद गया, शहजाद ने कहा वो किसी भी दुकान में नहीं है। मैंने कहा चलो आओ वर्कशॉप में, वो लड़का गाड़ी लेके चला गया वहां से, एक गाड़ी देखते हैं बाद में इनको ढूंढ लेंगे। गाड़ी सेट होगी, शहजाद और असद चले गए गाड़ी लेके रूम में और मैं वापस चली गई इन लोगों को ढूंढने। जब मैं बाजार में गई, मैंने बाजार का इधर से मैं गई, ऊपर से मैं वापस आई, ये लोग मुझे नहीं मिले। ठीक है, मेरी बकायदा व्लॉग लगा हुआ है कि ये लोग मुझे नहीं मिले। इसके दौरान मैं बाजार में थी और बाजार में एक होटल पे मैं बैठी, वहां पर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। मैंने वहां पे लिया हाफ फ्राई और एक मैंने लिया सादा पराठा, यानी बगैर ऑयल के सादी रोटी, वो मैंने खाई। बकायदा मैंने अपना व्लॉग बनाया है। उसके बाद मैं होटल चली गई, होटल जाके मैं कमरे में मैं गई, 1:30 का टाइम हो गया था, पूरी रात मैंने गाड़ी चलाई और अगले दिन का 1:30 बज गया था, जबकि मुझे 2 दिन हो गए थे, मैं जाग रही थी, मैंने सोना नहीं था, इनकी मुलाजम थी मैं, ये रिस्पेक्ट थी कि जब मैं इन लोगों को वहां तक लेके गई और जो पूरी रात मैंने ड्राइवरी की और पूरा दिन भी, अगला 1:30 बज गया तो मैं सोई नहीं, 1:30 बजे मैं सोई और इन लोगों ने क्या किया, 3 बजे 1.5 घंटे बाद आके इन्होंने दरवाजा खड़काया। मैं उठी, मैंने दरवाजा खोला, जब मैं उठी तो समेरा और वो दूसरी जो लपर लपर कर रही है ना, इसके साथ एक जो आई हुई है जिसका कोई वाली वारस नहीं है, ये समेरा मैं आपको नहीं बोल रही, जरा कान खोल के सुन लेना आप, अच्छा जो तेरे साथ आई थी ना कमरे में उसकी बात कर रही हूँ। ये दोनों अंदर आई और आके इन लोगों ने मुझे बोला आंटी खाना खा लो। मैंने कहा रख दो खा लूंगी। फिर इन्होंने कहा खाना खा लो। मैंने कहा रख दो। इन्होंने कहा खाना खा लो गर्म गर्म। मैंने कहा मैं सोई उठी हूँ, रात की मैं जाग रही थी, अभी मैंने कोई ब्रश वगैरह नहीं किया, मैंने मुंह नहीं धोया, मैं फ्रेश होंगी उसके बाद मैं देखूंगी, अगर मुझे भूख लगी तो मैं खाना खाऊंगी, फिलहाल मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाना रख दो, मैंने अभी सोना है क्योंकि मैं सोना चाह रही हूँ, ठीक है। और इन लोगों ने खाना रखा और ये लोग चले गए।
चलेंगे। हाँ इन्होंने बोला कि हाँ आंटी चिकन का सालन भी है जो कि हमने मंगवाया था लेकिन हमने नहीं खाया, हमें पसंद नहीं आया, और वो चिकन का सालन हमने यहाँ पर रख दिया, आप लोग उसको खा लेना। जो चिकन का सालन तुम लोगों को पसंद नहीं आया तो मैं वो हूँ जो हर रोज होटल पे खाने खाने जाती हूँ, मैं वो हूँ जो हर रोज मैं मुनाल पे पहुंची होती हूँ, मैं वो हूँ जो कि कहीं किसी शहर का मैंने होटल नहीं छोड़ा, जहां जहां जाके मैं खाने खाती हूँ, मेरे व्लॉग लगे हुए हैं, 5-5, 6-6 हजार के, 10-10 हजार के खाने खाते हैं, इतना खाते नहीं, उनके रेट इतने होते हैं, समझ आ गई तुम लोगों की सोच है। अच्छा खाना इन्होंने रखा, ये चले गए। मैं जब उठी दोबारा शाम को, मैंने उठ के मैंने देखा, मैंने कहा चलो देखती हूँ, वो बच्चियां खाना लेके आई थी तो चलो खाना खा लेती हूँ। जब मैंने देखा ढकना उठा के तो वो जो सालन छोड़ के गई थी, वाकई वो खाने वाला कोई नहीं था, अगर वो खाने वाला होता तो इन लोगों ने छोड़ना किधर था, ये लोग खुद ही उसको खा लेते। फिर ये चप्पल कबाब छोड़ के गई थी, मैंने उसको खोल के देखा तो एक साइड से वो बिल्कुल जले हुए थे और ऊपर से वो बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, वहां ठंड थी, रोटी बिल्कुल सूख गई हुई थी ठंड की वजह से। मैंने कहा चलो खैर ये तो खाना ठंडा हो गया, मैं बाहर जाती हूँ देखती हूँ, को खाना ऑर्डर करूंगी खा लूंगी। जब मैं बाहर गई होटल वाले से मैंने पूछा, मैंने कहा ऊपर वो लोग रूम में है, इनका रूम ऊपर था मेरा नीचे था, उसने कहा नहीं वो सब बाहर चले गए। मैंने कहा ठीक है, मैं वहां लॉन में बैठ गई, मैंने कहा चलो ये जो लोग जब आएंगे तो फिर देखते हैं, क्योंकि अभी अकेली मैं किधर जाऊं, मैं इधर ही बैठती हूँ। वहां मैं बैठी, मेरा बेटा आ गया, मैंने कहा हाँ किधर गए थे, उसने कहा मैं तो बाजार में, मैंने कहा बाकी साहब किधर है, उसने कहा वो मुझे रास्ते में मिले हैं, वो लोग बाजार जा रहे थे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तुमने खाना खा लिया है, कहता हाँ मैं तो बाजार गया हूँ मैं खाया हूँ, वो केला ही अपना खाना खाया था, उसने भी इनके साथ खाना नहीं खाया। ये लोग आपने किसी व्लॉग में बताएं कि कहाँ उसने इनके साथ खाना खाया था, और ये कहीं पे भी बताएं कि मैंने इनके साथ कहाँ खाना खाया था, मैं अपने बेटे के साथ गई वहां बाजार में जाके मैंने खाना खाया अपना। मैंने व्लॉग में भी बताया था कि मैं अभी डिनर करूंगी, लेकिन मेरा फोन गाड़ी में छूट गया जिसकी वजह से मैं दिखा नहीं सकी कि मैंने क्या डिनर किया था। मैं अकेली थी, मैंने एक लेग पीस और एक रोटी खाई, इतना ही मैं खाती हूँ, ठीक है, साथ चटनी वगैरह, उसके बाद मैंने मिल्क शेक लेके पिया। उसके बाद मैं और मेरा बेटा वहां से निकले, वापस होटल आ गए, होटल आके मैं तो लेट गई और ये लोग सारी रात लगे रहे अपनी अपनी वीडियो अपलोड करते रहे, वो भी वीडियो अपलोड करता रहे, उसने क्या क्या सीन वहां पर देखे वो पिछले व्लॉग में बताए थे। अच्छा जनाब वो हो गया, एक रात ही हम लोग वहां पे रुके थे, क्योंकि 2 दिन तो हम रुके ही नहीं, एक ही रात रुके थे। वो डिनर मैंने खुद कर लिया, नाश्ता मैंने खुद कर लिया। अगले दिन जब मैं उठी, जब हमने जाना था उधर झील पे, तो मैंने इन लोगों को पैगाम दिया कि आ जाओ रेडी हो जाओ, झील पे जाना है तो जल्दी चलो, जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं बाहर जाके लॉन में बैठ गई, मैंने अपना व्लॉग बनाया था, उस व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं खूबसूरत लॉन में बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। मैंने एक खुशक पराठा लिया, साथ में मैंने हाफ फ्राई अंडा लिया, एक पराठा लिया था, 2 अंडों का मैंने हाफ फ्राई का लिया था, ठीक है, और साथ में एक मैंने पानी की बोतल ली थी, मेरा 350 कुछ बिल बना था, मैंने 500 रुपया उस लड़के को दे दिया जो बिल लेके आया था, खलास वो बिल भी मैंने दे दिया, किसी ने तो नहीं दिया मेरा बिल। उसी के साथ मैंने उन लोगों को 4,500 रुपया रेंट का भी दे दिया, ठीक हो गया, फिनिश हो गया 5,000 रुपये में। उसके बाद हम लोग झील पे चले गए, झील पे जाके घूमे फिरे, वहां जिसने जो जो खाया मुझे नहीं पता, जहां जिसने खाया अपना अपना खाया मुझे नहीं पता, ठीक हो गया। हम लोग झील पे जो गए, उस जीप का रेंट खान जी ने दिया, ठीक हो गया, मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती, ना ही मुझे झूठ बोलने की आदत है, ये लोग झूठ बोलते हैं, इन लोगों ने झूठ बोला कि इन्होंने मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, उसका ये यहाँ पे फैसला करेंगे, आप लोग करो नहीं तो ये करेंगे। अच्छा वो रेंट इन लोगों ने दे दिया, वापिस जब होटल में गए, लेकिन उसमें से भी मैंने सोचा था कि इनको मैं कुछ पैसे दूंगी, लेकिन जिसके दौरान इन लोगों ने बोला कि जल्दी 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 हमने नहीं रुकना, चलो वापस चलें। मैंने इन लोगों को बोला कि शाम हो गई है, सुबह आप लोग बाबूसर टॉप देखना, इस तरफ काफी झीले हैं, इस तरफ काफी अबशारे हैं, आप लोग इतना खर्चा करके आए हो तो बगैर सैर किए जा रहे हो। इन्होंने बोला कि नहीं हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो रही, यहाँ पे तो नेट नहीं चल रहा, यहाँ पर तो बड़ी प्रॉब्लम है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मैंने कहा चलो चलते हैं वापस, मेरी तबीयत सेट नहीं थी। मेरे बेटे ने कहा ठीक है अम्मी मैं अपने वाली गाड़ी चला लेता हूँ, गाड़ी मैं अपने वाली चला लेता हूँ, तो खान जी भी ड्राइवर है ये, वो दूसरी वाली गाड़ी चला लेती है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने कहा खान जी तुम ड्राइवर, तुम इस तरह करो, तुम वो वाली गाड़ी चला लो जो रेंट पे लेके आए, तो ये वाली असर चलाएगा, तो साथ साथ तुमने पीछे पीछे आना तो भी ठीक है, अगर आगे आगे आना तो भी ठीक है, साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। हम स्लो स्लो ही जा रहे थे, नरान से निकले कगान के पास हम पहुंच गए थे, 5-6 किलोमीटर पीछे थे। जो कोई नरान कगान गया है तो उसको पता होगा कि नरान से कगान का कितना फासला है। इतना रास्ता तय करते करते खान जी ने गाड़ी का खाना खराब कर दिया,
उसकी क्लच प्लेट और उसकी प्रेशर प्लेट इसने दोनों जला दी, इतनी सख्त जला दी, इतनी सख्त बदबू आई। अगर शहजाद तुम अपने खुदा को मानते हो तो उसकी कसम खा के बोलो कि तुम्हें, तुमने मुझे नहीं कहा कि आंटी आपकी बहुत ज्यादा स्मेल आ रही, तुम मेरी गाड़ी में बैठे थे तो मैंने भी कहा हाँ बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, तो मैंने कहा लगता है ये टोयोटा खराब हुआ खड़ा, इसकी स्मेल है। लेकिन आगे गए तो इसने गाड़ी बंद करके खड़ी थी, इसने कहा गाड़ी नहीं चल रही। वहां से गाड़ी मैंने रस्से के साथ बांधी और 6-7 किलोमीटर गाड़ी को मैं बांध के लेके आई अपनी गाड़ी के साथ। उस गाड़ी में मेरा बेटा स्टेयरिंग पे बैठा, मेरी गाड़ी में मैं स्टेयरिंग पे बैठी, इन सब लोगों को मैंने अपनी गाड़ी में बैठाया और शहजाद को मेरे बेटे के साथ उस गाड़ी में बैठा दिया। ठीक है, इसमें हम गलत हैं, ठीक हो गया, इसमें भी हम गलत है, कोई बात नहीं, आप फैसला करें। मेरी गाड़ी में 7-8 लोग बैठे हुए हैं और पीछे गाड़ी भी बांधी हुई है, फिर पहाड़ी इलाके में उस गाड़ी को मैं लेके जा रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है, इतना सौखा नहीं होता, इतना इजी नहीं होता। सिंपल रोड पे आप लेके जा सकते हो गाड़ी को बांध के, वहां पर भी मिनट मिनट बाद रस्से टूटते हैं। लेकिन मैं लेके आई इतने एहतियात से, क्योंकि मुझे पता है मैं ड्राइवर हूं, मैं चूतिया ड्राइवर नहीं हूं, मैं पूरे दिनों की ड्राइवर हूं, समझ आ गई। तो गाड़ी को लेके एक जगह पे रस्सा नहीं टूटने दिया, एक जगह पे भी खराबी पैदा नहीं की। वहां पहुंचे, वहां पहुंच के जब मिस्त्री को चेक करवाई तो मिस्त्री ने बोला 10,500 रुपया। खान ने उसको बोला कि 10,000 में काम करके दो, उसने कहा ठीक है। उसने कहा काम सुबह होगा, मैं अभी कॉल करूंगा, मैंने बालाकोट से सामान मंगवाना है इसका सेट, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, तो सुबह इसका काम होगा। इन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि खान जी मेरी बात सुनो, रेंट वालों से जो भी, आप लोगों को भी पता होगा अगर कभी ने कोई, किसी ने कोई चीज ली इस्तेमाल की है, कभी किसी हमसाये से भी कोई चीज लेके जाओ ना आप, तो वो भी जैसी चीज देते हैं वैसी ही उसको वापस करनी होती है, ऐसा ही है ना। ये तो गाड़ी थी, मेरी जिम्मेदारी पे गई थी गाड़ी, रेंट पे इनको मैंने लेके दी थी, मुझे तो गाड़ी की जरूरत ही नहीं थी, मेरे पास तो अपनी गाड़ी, मैं वो इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, वहां पर 10,000 रुपया इन लोगों ने दिया गाड़ी ठीक कराने का, 8,000 रुपया इन्होंने पहले दे दिया बंदे को, मिस्त्री को, उसके बाद 2,000 रुपया जाते वक्त इन लोगों ने दिया, वो जो बोल रही है लपर लपर, वो 2 टके की टैक्सी जो लपर लपर बोल रही है, उसने 2,000 रुपया खान ने उसको पकड़ाया, उसने मुझे पकड़ाया, 10,000 रुपया वर्कशॉप वाले को जो देना था, मैंने नहीं लिया वो, 15,000 रुपया गाड़ी का रेंट इन्होंने दिया, जो ये बोलती मैंने 20,000 दिया है और वहां बोलती मैंने 12,000 दिया, ये दोनों बातें झूठ बोल रही है, 15 और 10 ये झूठ बोल रही है। कुरान उठाए कि इसने 20 दिया और इसने 12 दिया, ठीक है मैं इसको डबल दूंगी। फिर ये बोलती है कि बेबू आंटी की गाड़ी में मैंने पेट्रोल डलवाया, ये कसम उठाए कि आते जाते इसने मेरी गाड़ी का पेट्रोल उठाया है तो मैं इसको डबल दूंगी। मेरी जबान है, मैं जबान पाली औरत हूं, मैं वो गलत बात अभी मैं नहीं यहां पे बोलूंगी, थोड़ा तमीज के दायरे में रह के बात करूंगी, ठीक है, मेरी जबान है, मैं चूतिया नहीं हूं, समझ आ गई, तो इसको मैं डबल दूंगी, समझ आ गई। ये खर्चा मैंने अपना खुद किया है, आप लोग देखो उसके व्लॉगों में जाके कहां मैंने इनके साथ डिनर किया, कहां ब्रेकफास्ट, कहां लंच, और अगले दिन जब डिनर का टाइम था हम लोग वापस निकल पड़े, गाड़ी खराब होगी, वहां से ये लोग भाग गए। अभी फिर मैं ये लोग कह रही हूं, ये लोग खानी की फैमिली शहजाद समेरा, आप उसको, आप खुद को उसमें शामिल मत करो, ठीक है। ये लोग वहां से भागे, ये लोग चले गए, मैंने और मेरे बेटे ने वहां पे डिनर किया अपने पास से। अगले दिन हम लोग ये कितना घूमे, ये महीना घूमती रही नारायण कगान में, जो ये कह रही मैंने खर्चा किया मेरा 5 लाख मेरा 4 लाख, मेरे मुंह से बकवास ना कोई सुनना, ये किया तुमने, टके टके की बातें मारी, क्या खर्चा किया तुमने, 6,000 का गाड़ी में तुमने पेट्रोल डलवाया जाते हुए, 2,000 का तुमने वापसी में पेट्रोल डलवाया है, वो छोटी गाड़ी थी वो पेट्रोल कम खा रही थी, उसके बाद तुमने वहां रूम का रेंट तो दिया नहीं है, वो तुमने कैसे रूम लिया वो तुम्हें पता है, और तुम रोज कहती हो कि मैं नारायण कगान जाती हूँ, तो तुम रोज जाती, तुम्हें पता नहीं था यहाँ पे कैसे गाड़ी चलाते हैं, यहाँ पे गाड़ी किस तरीके से चलाते हैं तुम्हें पता नहीं था, खुद को तुम कहती हो कि मैं बड़ी ड्राइवर हूं, ड्राइवर को पता होता है कि गाड़ी कहाँ कैसे चलानी है, ड्राइवर नाड़ी भी हो ना तो वो भी समझ जाता है कि मुझे गाड़ी कहाँ कैसे चलानी है, ठीक है। और तुम कहती हो कि मैं तो वहीं की पैदाइश हूं, तुम वहीं की पैदाइश हो तो गाड़ी का तुमने सत्यानाश मार दिया, ठीक है, और वापस आके जब गाड़ी शोरूम वाले को दी उसके साथ अलग से लड़ाई, वो कहता जी देसी चीजें डरवा दी, फलान कर दिया, टमकान कर दिया, इस खोती की वजह से मुझे तो इतनी जलालत का सामना करना पड़ा है, मैं गलत हूं यहां पे, आप लोग बताओ कि मैं गलत हूं। अगर मेरा बेटा साथ ना होता, अगर मेरा बेटा साथ ना होता तो ये लोग मुझे गाड़ी के साथ वहां छोड़ देते, तो गाड़ी कौन वापस लेके आता। इन लोगों ने कितनी घटिया हरकत की है, इन लोगों ने तो चूतियापन वाली हरकत की है, इन लोगों ने तो अपनी पहचान बता दी कि ये क्या चीज और ये कितने घटिया है, ठीक है। इन लोगों ने ये जो हरकत की है ये घटिया नहीं है, इनकी ऑडियंस से या मेरी ऑडियंस से आप पूरी बात सुन के फैसला करें ना, कौन गलत है कौन सही है।
और ये कुरान उठाया कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल इसने डलवाया था और मेरा खर्चा इसने किया था, मेरा खाना पीना कुछ भी इसने अगर मुझे खिलाया पिलाया है, इन्होंने जो चप्पल कबाब ला के रखे थे जले हुए वो मैंने खाए नहीं थे, और ना मैं बासी खाने खाती हूँ और ना ही मैं बचे हुए खाने खाती हूँ, ये भी जहन में रखे, ठीक है। मैं खुद ऐसे लोगों को खिला के सोने वाली हूँ और ये मुझे कह रही है, ये मुझे बात कर रही है, इसकी तो इतनी औकात नहीं कि नारायण कगान में जाके घूमे। मेरे नारायण कगान के आप लोग व्लॉग देखो, मेरे चैनल पे बहुत सारे व्लॉग पड़े हुए हैं, मैं कैसे घूमती हूँ, मैं कैसे खाती पीती हूँ, मैं कैसे खर्चा करती हूँ, मैं कैसे पहनती हूँ, मैं कैसे रहती हूँ, ठीक है। ये बताएगी आके कि मुझे कैसे रहना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना, और ये बचा हुआ खाना मुझे देगी तो मैं वो खाऊंगी। मैं कभी किसी की जेब पे नहीं चलती, मैं अपनी जेब पे चलती हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो दूसरों के पीछे नहीं मैं भागती, ना मैं ऐसे करती हूँ, ये करती व्यूज के लिए। ये 24 घंटे सोनिया गोपाल के घर में जाके बैठी होती है व्यूज के लिए। मैं तो कराची में रहती हूँ, मैं क्यों जेलस होंगी। ये पिंडी में होते तो चलो आप लोग कहते कि जेलस हो रही, ये कराची में रहती है 24 घंटे, ये वहां जाके बैठी होती है और उनकी ये बुराइयां कर रही है, उनके बारे में ये टके टके की बातें करती है, वो बातें जो मुझे पता ही नहीं है, जो इन लोगों को पता है। आप लोगों ने गोपाल का देखा ना व्लॉग, उसने कहा जिसको पानी नहीं पसंद उसके लिए दरवाजे बंद, वो यही औरत है, इसको उन्होंने कहा दरवाजे बंद, ठीक है। बाकी रही सैमा की बात, सैमा मेरी दोस्त है, मेरी बहन बनी हुई है, उसके बारे में इसने जितनी बकवास की है वो इंतहाई घटिया किस्म की बकवास है। लेकर सैमा ने मुझे कह दिया है कि प्लीज आप मेरी वाली कोई भी बात यहाँ पे ना करना, तो मैं नहीं कर रही। अगर जरूरत पेश आई, अगर जरूरत पेश आई तो मैं आप लोगों को बता भी दूंगी कि उसके बारे में इसने क्या क्या बकवास की है, इसने क्या क्या बकाए, मैं सब कुछ यहाँ पर पर्दाफाश कर भी दूंगी, ठीक है। बाकी रही मेरी और मेरे हस्बैंड की बात, इसने कहा इसका और इसका हस्बैंड नाराज है, तो इसमें कौन सी बात है, मेरे हस्बैंड की तो दूसरी शादी है, उसका दिल करे वो उधर जाए, उसका दिल करे वो इधर आए, और बंदों का तो काम ही होता है कभी नाराज तो कभी हंसी तो कभी खुशी तो कभी गम। फिर इसने कहा सितारा की वजह से, सितारा की तो कोई वजह नहीं है, सितारा को तो इसमें कोई मामला ही नहीं, लड़ाई मेरी और मेरे हस्बैंड की हो तो उसमें सितारा की क्या वजह हो सकती है, सितारा तो हमारे घर में भी नहीं आई। एक तो होता है ना कि आपके घर में कोई आया हो तो उसको लेके कोई इशू हो सकता है, लेकिन हमारा तो कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसने फालतू की बकवास मार दी है बीच में, ठीक है, फालतू की बकवास ये इसने मारी है। ये इसने क्यों मारी है अब ये मुझे नहीं पता, ये इसी को पता होगा, और आप लोग जाएं कमेंट्स में उससे जवाब पूछें, उससे बोले, अभी वो पिंडी में मौजूद है, वो जहां कहती मैं वहां चली जाऊंगी, मैं इस मुंह से एक लफ्ज नहीं बोलूंगी, मैं इसको सिलाई कर लूंगी। वो कुरान उठाए कि उसने मेरी गाड़ी का खर्चा किया है या मेरे ऊपर उसने कोई 1 रुपया खर्च किया है, तो मैं उसको डबल दूंगी आप लोगों के सामने लाइव, मैं उसके हाथ में पकड़ाऊंगी, कुरान पे रखूंगी कि ये लो बीबी उठा लो। मैं कहती हूं कि मेरी गाड़ी का खर्चा मैंने खुद किया है, मेरा अपना खर्चा, मेरे बेटे का खर्चा मैंने खुद किया है टोटली। हाँ, इन्होंने अपना खर्चा खुद किया है, ये लोग कराची से आए, इन्होंने खर्चा खुद किया, ये यहां से वहां गए, इन्होंने गाड़ी का रेंट भी दिया, इन्होंने गाड़ी खराब हुई ठीक कराने के पैसे भी दिए, इन लोगों ने उसमें पेट्रोल भी डलवाया, वापसी के उसके ऊपर उस गाड़ी में 3,000 का पेट्रोल मैंने अपने पास से डलवाया, क्योंकि वापसी पर जो इन्होंने पेट्रोल डलवाया हुआ था वो रास्ते में खत्म हो गया था, ठीक है, वो 3,000 की भी मुझे चट्टी पड़ी, और जो वहां एसी का बेल्ट टूटा जो 1,000 रुपए की वो भी चट्टी मुझे पड़ी, ठीक है। और अगर अब मालक बोलेगा कि ये चीजें देसी हैं, ये वलैती नहीं है, तो वो भी मुझे पड़ेंगी, इनको नहीं पड़ेंगी, क्योंकि गाड़ी मेरी जिम्मेदारी पे गई थी, गाड़ी उन्होंने मुझे दी थी, इन लोगों को नहीं दी थी, समझ गए आप लोग। तो ये घटिया हरकत इन लोगों ने की, और आप ही आप लोगों को अच्छे से बात समझ आ गई होगी, और आप लोग अब इस चीज का जवाब उनसे ले आए। वो कह रही है कि मैं कुरान उठाऊं, होटल वाले को पैसे दिए हैं कि नहीं, मैंने तो दिए हैं, मैंने तो दिए हैं, वो तो लहदा बात, वो तो चलो इनको डाउट है कि पता नहीं मैंने दिए हैं कि नहीं दिए, लेकिन जो पेट्रोल मैंने खुद डलवाया, इन्होंने पैसों, इन्होंने पैसे नहीं दिए, मैंने खुद दिए, इसको तो ये पहले क्लियर करे, ये तो यहाँ पे ही झूठी है, ये तो इतनी झूठी है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, ठीक है। और ये कह रही मैंने 20,000 दिया, कभी ये कहती मैंने 12,000 दिया, कभी ये कहती मैंने 15,000 दिया, 15 रेंट दिया, 10,000 रुपया गाड़ी ठीक करवाने का दिया, अच्छी तरह आप लोग याद रखना, 15,000 रुपया गाड़ी का रेंट दिया, 10,000 रुपया गाड़ी ठीक करवाने का दिया, जाते हुए 6,100 का इन्होंने पेट्रोल डलवाया, वापसी का मुझे नहीं पता इन्होंने डलवाया कि नहीं डलवाया, या फिर कितने का डलवाया, ठीक हो गया। मैंने वापसी के उसके अंदर 3,000 का पेट्रोल डलवाया, होटल का, अपने कमरे का रेंट मैंने खुद दिया, अपनी गाड़ी का पेट्रोल मैंने खुद डलाया, अपना खाना पीना सब कुछ टोटल खर्चा हमने खुद किया, ठीक है। हम इनको भी खाना खिला देते, लेकिन इन्होंने खाना तब खा लिया जब हम सोए थे, या मैं रूम में नहीं थी, ये लोग चुप करके खिसक गए
और खा के आ गए या जो भी ये करके आ गए, मुझे इस चीज का नहीं पता। आप लोग मेरे व्लॉग में अच्छे से जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक हो गया। तो बाकी शहजाद से मेरा आप लोगों से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, ना मैंने आप लोगों को कोई बात की और ना ही आप लोग मुझे करना। ओके, इसके साथ मेरी प्रॉब्लम है। और ये आप लोग बताना कि इसने सही किया या गलत किया, अगर मैं अकेली वहां पे होती और ये गाड़ी छोड़ के आती तो कौन गाड़ी लेके आता? मुझसे गलती हुई जो इस तरह की बेहुदा और बगैरत औरत के लिए मैंने गाड़ी का अरेंज किया। इसको मैं बोलती ना कि बीबी जाओ बस पे या वैन पे, और मैं भी नहीं जाती, जाओ। मैं तो इनको रिस्पेक्ट दी, मैंने कहा मैं भी अपनी गाड़ी लेके तुम लोगों को ले जाती, कोई मसला नहीं। एक गाड़ी में पूरे भी नहीं आओगे तो चलो मैं तुम लोगों को ले चलती हूँ। तो मुझे ये सिला मिला इस चीज का। और आजदा के बाद ऐसे घटिया लोगों से ना तो मैं मिलूंगी, ना ही मुझे कोई मिलने की जरूरत है। मुझे इससे क्या लेना था? इसके 10,000 सब्सक्राइबर है मेरे, 42 मेरे 42,000 सब्सक्राइबर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे व्यूज भी अच्छे आते हैं और उसके अलावा मुझे व्यूज की जरूरत भी नहीं। मैंने शौक से चैनल बनाया है, दुनिया की हर चीज है मेरे पास, घर है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, मुझे क्या चाहिए? मैंने तो शौक से बनाया, मुझे शौक था। और यहाँ मुझे नहीं पता था कि ऐसी ऐसी बेगैरती होती है, ऐसे ऐसे लोग मथे लगते हैं जो आके इंसान का इतना हाई हैपर करते हैं कि इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उनकी माँ बहन एक करके रख देता है, ठीक है। तो इसी के साथ आप सबसे इजाजत चाहूंगी, थैंक यू सो मच। आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अगर ये लोग तमीज के दायरे में रह के बात करेंगे तो मुझसे ज्यादा तमीजदार कोई नहीं है। अगर ये बदतमीजी लहजा बदल के बात करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो मुझसे बड़ा बदतमीज भी कोई नहीं है, ठीक है। फिर मैं वो छिल्लूंगी जो कभी किसी ने ना चिल्लाओ। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगी, अल्लाह हाफिज़।